ईवीएम किया नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार। साहब यूपी में भी गदर हुआ इलेक्शन से पहले। हाँ ये यूपी वाले बैठे भाई, बीजेपी को संभालना थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आकाश भाई को ही समर्पित है लाइन है। क्या बात है कि भाई पे करम बेटे पे सितम। वाह मेहता जी। रे बापू मेरे ये जुल्म न कर। वाह ढिंगड़ांग 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 बापू कुर्सी के लिए। अरे बापू कुर्सी के लिए ये नाटक हानिकारक है। अरे बापू कुर्सी के लिए ये नाटक हानिकारक है। जरा संभल के चलना साइकिल का तू चालक है। अरे बापू मैं हूँ बछड़ा। अरे बापू मैं हूँ बछड़ा और तू मेरा पालक है। अरे बापू मैं हूँ बछड़ा और तू मेरा पालक है। जरा संभल के चलना साइकिल का तू चालक है। अरे बापू कुर्सी के लिए। अब आगे क्या होता साहब, इलेक्शन हो गया। हाँ। नाटक तो होना था, वो भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया। कि गया इलेक्शन आया रिजल्ट तो कुर्सी गई हमारी। बोले बीजेपी के नेता भद पिट गई तुम्हारी। गया इलेक्शन आया रिजल्ट तो कुर्सी गई हमारी। बोले बीजेपी के नेता भद पिट गई तुम्हारी। हाथी भागा साइकिल पंचर कर गए रे योगी। कुर्सी छीन ली उसने मेरी बना दिया मोहे जोगी। योगी से डर लागे। रे योगी से डर लागे। हाथ में उसके चाबुक है। रे योगी से डर लागे। हाथ में उसके चाबुक है। जरा संभल के चलना साइकिल का तू चालक है। रे बाबू कुर्सी के लिए। ढिंगड़ांग 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 रे बाबू ढिंगड़ांग 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 ढिंगड़। नेताओं के बाद सब आजकल बीमारियां भी बहुत फैल रही है। बरसात के बाद तो फैलती रहती है। एक बार कोई मरीज आया तो मैंने कहा देख भाई तेरे लक्षण तो डेंगू के लग रहे हैं। बोला समझ में नहीं आया। मैंने कहा बिल्कुल आएगा देख, अभी देख तेरे को मैं सुनाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। उसकी मैंने कंडीशन कैसे बताई है, आप तक पहुंचे तो तालियां बिल्कुल बजाइएगा। पसीना मुझे क्यों आ रहा है, डेंगू के मच्छर ने मुझे काटा। क्या बात है। बॉडी मेरी कांप रही है, बजता है सन्नाटा। और हालत तो तेरी रे ऐसी हो गई, माचिस के तीली के जैसी हो गई। तो सुन मेरे भाई और छोड़ कर कमाई, जाकर अस्पताल में तू चेकअप करा। दवा टाइम पे लेकर और देखभाल कर कर, पहले तू अपने हालत सुधरा। अरे बोले रे दीवाना तू डेंगू मिटा। अरे बोले रे जमाना तू डेंगू भगा। अच्छा आजकल एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है। अब दो बातें सामने आ रही है, ट्रेन के इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कहीं पर हो रहे हैं, कभी कहीं पर हो रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है सिवाय मेरी। अच्छा बिल्कुल, क्या बात है, मैंने पता लगा लिया कमी कहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, इंटेलिजेंट तो मैं बचपन से ही था, बस घमंड नहीं किया। हाँ देखो इनको एक बार जो है बाबा जी मिले, बाबा जी मिले और कई सालों बाद देखा तो कहा अरे दिनेश बड़ा हो गया। इन्होंने कहा बाबा जी दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, इतने इंटेलिजेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटेलिजेंट तो शुरू से ही था। एक बार मेरे को विज्ञान के टीचर ने पूछ लिया था, बोलो बताओ हम पानी क्यों पीते हैं।
मैंने कहा क्योंकि इसको खा नहीं सकते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बोला फिर खाना क्यों खाते हैं, उसको पी नहीं सकते। हो गए ना इंटेलिजेंट, देखो मारवाड़ी लोग हैं, बढ़िया टीचर। मारवाड़ी लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, ये होता है एक बढ़िया टीचर। हो गए ना, अब एक बार अपने से संस्कृत के मास्टर जी ने पूछ लिया, बेटा मैं एक श्लोक बताता हूँ उसका सीधा सीधा अर्थ बता देना। बिल्कुल, आप तो आने दो, आने दो। तो उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा देखो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे मतलब सर्वे भवन्तु सुखिना, सुखिन मतलब सुखिया, हाँ सुखिया ने साहब सर्वे करवाया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सुखिया ने सर्वे करवाया। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, हाँ इसमें संतुड़ी और निर्मय वो भी साथ में थी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इसमें कुछ पशुओं को भी शामिल कर लिया। सर्वे में पशुओं को भी शामिल कर लिया। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और इस सर्वे में किसी की माँ को कोई दुख नहीं हुआ। हाँ बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट आदमी। देखो अपन तो शुरू से इंटेलिजेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैं बता रहा था रेल जो इतना एक्सीडेंट हो रहा है इसका कारण मेरे को पता चला, मेरे अलावा किसी को पता नहीं चला। हाँ बताओ। हुआ ये कि मोदी जी ने चलाया कुंडी बंद करो, शौचालय बनवाओ। ये अभी का हाल है। पहले क्या होता था, सुबह उठते ही सवेरे सवेरे दूर चले हम, डब्बा लेकर दूर चले हम, है ना, तो लोग जो है पटरियों के किनारे बैठते थे, और जहां पटरी टूटी होती थी तो फटाक से इंफॉर्मेशन रेलवे वालों को दे देते थे। अब मोदी जी ने इंटेलिजेंस सिस्टम ही ब्रेक कर दिया। अच्छा, तो ये है ट्रेन एक्सीडेंट होने का कारण, कारण ये है बिल्कुल। साहब अपने राजस्थान में एक बहुत बड़ी कुरीति है बाल विवाह। अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत इंतजाम होते हैं, और होता क्या है, बस अखबार में आया और कुछ दिन बाद वापस देखते हैं कि बाल विवाह हो रहा है। बाल विवाह के नुकसान क्या है कि बच्चों की छोटी उम्र में शादी हो जाती है, और आठवीं नौवीं तक आते आते उनका मुकलावा हो जाता है। जब मुकलावा आ जाता है तो पढ़ाई किसको आती है, अनुभव है। और साहब मुकलावा होने के बाद एक लड़की अपना मायका छोड़ के, अपने माँ बाप का घर छोड़ के जब ससुराल आती है, और उसका पति जब पढ़ाई नहीं करता है, तो उसका सारा दोष उस बेचारी लड़की पे मार दिया जाता है। मैं एक पेरोडी आप तक पहुंचाऊंगा, उसमें ससुराल वाले लड़की पर क्या आरोप लगाते हैं, और अंत में वो लड़की क्या जवाब देती है,